नमस्कार मित्रों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे भाइयों ने मुझसे पूछा था कि भैया आप मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। जो कि आपका 2009 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग उन सारे वीडियो को अपलोड करेंगे जो सारा क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो हम लोग लिख लिए। ये क्वेश्चन आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे है भाई, ठीक है। और मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बताया हुआ है, उस थ्योरम में मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये सवाल आपका है, ध्यान दो आप यहाँ पर, आप याद करना जो मैंने आपको बताया था, तभी हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे जब फंक्शन मेरा मल्टीप्लाई के रूप में रहे। यहाँ पर जो दो फंक्शन है, 1/p और 1/p2+4 का होल स्क्वायर के मल्टीपल के रूप में, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। इसको हम लोग एक अलग फंक्शन एफ पी मान लेंगे और इसको हम लोग एक अलग फंक्शन जी पी मान लेंगे। ओके, ठीक। चलो हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। जब मेरा दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में रहे, उस कंडीशन में ये इक्वल होता है एफ यू एंड जी टी माइनस यू का इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से t लिमिट तक। ओके, अब आप बोलोगे भैया एफ यू कैसे निकालेंगे और जी टी माइनस यू कैसे निकालेंगे। एफ यू निकालना बहुत आसान है, कैसे, इस एफ पी का आप लाप्लास इनवर्स निकाल लेना तो आपका एफ यू निकल जाएगा। ओके, एंड अगेन जी टी कैसे निकलेगा, इस जी पी का आप लाप्लास इनवर्स निकाल लेना तो आपका जी टी निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे भैया यहाँ पर एफ यू है, जी टी माइनस यू है और हम लोग एफ टी और जी टी निकाल रहे हैं। अरे भाई, टी का वैल्यू हम यू पुट कर देंगे तो मेरा एफ यू निकल जाएगा। जो वैल्यू यहाँ निकलेगा टी के फंक्शन के रूप में, उसमें हम लोग टी का वैल्यू यू पुट कर लेंगे, निकल गया मेरा एफ यू। एंड अगेन यहाँ पर जी टी निकला है, जी टी में हम लोग टी का वैल्यू जी टी माइनस यू पुट कर देंगे तो मेरा निकल गया जी टी माइनस यू का वैल्यू। इस तरह हम लोग जो है एफ यू और जी टी माइनस यू निकालेंगे। इसका मतलब हमको एफ पी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगर हम लोग 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 के इक्वल होता था, मतलब एफ टी का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। अब इसमें टी का तो फंक्शन है नहीं, तो आप कहाँ पर टी पुट करोगे, आई मीन टी के बदले में यू कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ तो 1 है। और मैंने जब इसको 1/p लेकर के बनाया था ना, तो मेरा जो सॉल्यूशन है ना वो काफ़ी जगह 19-20 हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको और आसान कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/p² का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी होता है, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपको। जब हम लोग टी के बदले में यू पुट करेंगे तो आप आसानी से टी के बदले में यू पुट कर सकते हो, जब हम लोग टी के बदले में यू पुट करेंगे। हाँ, ये तो बात समझ में आई हमको, लेकिन 1/p² लाएंगे कैसे। अरे भाई, यहाँ पर आप पी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पी से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से दो फायदे हो गए, पहला तो ये फंडा आपका सॉल्व हो गया, दूसरा इसका हम लोग जानते हैं लाप्लास इनवर्स क्या, कि लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² + 4 का होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2a(t)sin(at) होता है। यहाँ से मेरा फॉर्मूला भी निकल गया और यहाँ का डाउट भी खत्म हो गया आपका, ठीक। इसी कारण हम लोग यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे कि मेरा फॉर्मूले पर आ जाए। अब यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एफ पी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, आई मीन 1/p² का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये आपका किसको देगा, ये एफ टी का वैल्यू होगा, ठीक है। चलो हम लोग इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। हम लोग जानते हैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी होता है, इसका मतलब एफ टी का वैल्यू टी हो गया। अब यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू एफ यू का वैल्यू यू हुआ। चलो मेरा एफ यू निकल चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग इस नेक्स्ट टर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और मैंने आपको अभी तुरंत बताया ये फॉर्मूला है 1/2a, तो a का वैल्यू क्या, यहाँ a का वैल्यू 4 नहीं है, मतलब इसका मैंने आपको फॉर्म बताया था p/p² + a², तो 2² का होल स्क्वायर जब रहे ना, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है 1/2a(t)sin(at) का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 1/2a, a का वैल्यू तो 2 है, 1/2a(t)sin(at), दैट्स क्लियर। तो ये मेरा क्या निकल गया, 1/4(t)sin(2t)।
ये मेरा वैल्यू किसका निकला, जीपी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं तो ये जीटी को देगा। ठीक, अब टी का वैल्यू हम लोग यू पुट करेंगे तो जी टी माइनस यू, अब जी टी माइनस यू जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर टी माइनस यू पुट करेंगे तो टी के जगह पर टी माइनस यू एंड अगेन यहाँ पर टी के जगह पर टी माइनस यू, तो ये मेरा जी टी माइनस यू निकल चुका है। अब हम लोग सीधे अपने फॉर्मूले पे आएंगे, क्या था फॉर्मूला, एफ यू और जी टी माइनस यू का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होगा, आई मीन इसका और इसका दोनों के प्रोडक्ट का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पर यहाँ पुट कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको इस सारे चीज़ को यहाँ पर दर्शाना है तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हो। ओके, ऐसे हम लोग इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू टी माइनस यू साइन 2 इंटू टी माइनस यू बाय 4 एंड अगेन डी लिमिट 0 से टी। यहाँ आप देखो तो साइन का जो एंगल है वो टी माइनस यू है, यहाँ पर दो फंक्शन का एंगल आ गया, इसको सिंगल फंक्शन लाओ। क्या करोगे आप, टी माइनस यू है भाई, इसको एक सिंगल फंक्शन लाना है। अगर हम यू का मान टी माइनस यू पुट कर दें तो ये एक फंक्शन यू में आ जाएगा जिसका हम लोग जिससे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टी का फंक्शन हट जाएगा। हाँ, मतलब हमको यू के जगह पर टी माइनस यू पुट करना है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में लिख देना पुटिंग टी माइनस यू इन प्लेस ऑफ यू, मतलब यू के जगह पर हमको टी माइनस यू पुट करना है, तो यू के जगह पर टी माइनस यू एंड अगेन यू के जगह पर टी माइनस यू, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी प्लस यू साइन 2 इंटू टी माइनस से मल्टीप्लाई माइनस टी प्लस यू डी यू, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अरे तो नहीं तो आप डायरेक्ट यू के जगह पर टी माइनस यू पुट करना और टी माइनस यू के जगह पर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर यू पुट कर लेना, कहीं कोई टेंशन नहीं। इसका जो अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है सॉल्यूशन करने में, सीधा आप टी माइनस यू के जगह पर आप यू पुट कर लेना और यू के जगह पर टी माइनस यू पुट कर लेना, झंझट खत्म। वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो टी माइनस यू की जगह पर मेरा यू सॉल्यूशन हुआ एंड अगेन साइन 2u du, अब मेरा इंटीग्रेशन अच्छे से होगा। ओके, अरे 1/4 कहाँ छोड़ दिया, इसको 1/4 को बाहर निकाल लो, बाहर मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग इसको बाहर निकाल लिए 1/4 को, नहीं तो अगर वरना नहीं तो आप इसको पूरे के बटे में 4 डाल देना। ठीक है, वैसे हम लोग इसको कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल लेते हैं एंड अगेन यहाँ पर u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, u से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो टी इंटू यू टी यू माइनस यू स्क्वायर साइन 2u एंड du, ये इस टर्म में हम लोग u का मल्टीप्लाई किए। ओके, हम लोग साइन से भी मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो हम लोग इसको अलग अलग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर tu का मल्टीप्लाई साइन 2u से एंड अगेन माइनस यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन 2u से। ठीक, इसको 1/4 से भी अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रेशन का रूप दे देते हैं इसको, कहीं कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर टी मेरा एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, टी को बाहर निकाल लेते हैं, टी बाहर आ गया तो यू साइन 2u, यहाँ पे 1/4 जो है इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इस दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन से अलग अलग कर रहे हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी यू स्क्वायर साइन 2u डी। अब यहाँ इंटीग्रेशन का दो फंक्शन आ चुका है आपके सामने, ठीक है, ध्यान दो, एक ये फंक्शन एक अलग ये फंक्शन आया हुआ है, इस दोनों को हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग आई वन मान लेते हैं एंड अगेन इसको हम लोग आई टू मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग आई वन का वैल्यू निकालेंगे और आई टू का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का मान इस वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। मेन है हमको आई वन और आई टू का वैल्यू निकालना। ठीक, चलो हम लोग आई वन का वैल्यू निकालते हैं, आई वन का ये वैल्यू था, इसको लिख लेते हैं, इसका हम लोग u इंटू v पर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का पता है आपको, u इंटू v पर अगर कोई टर्म इंटीग्रेट हो रहा हो तो फर्स्ट टर्म को आप हूबहू लिखो, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फिर फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन के अंडर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u चल रहा है। ओके, फिर अगेन इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन तो यहाँ पहले से ही है, ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक, इसको एक बार रखना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर नेक्स्ट टर्म में इसका डिफ्रेंशिएट और इसका इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन करना होता है। ओके, साइन 2u का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2u माइनस
कॉस टू यू, फिर टू यू का फिर से करेंगे तो बाय टू हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टर्म माइनस डी यू बाय डी यू वन हो गया, एंड साइन टू यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू यू माइनस कॉस टू यू बाय फिर टू यू का करेंगे फिर दो से डिवाइड हो गया, एंड अगेन टू यू इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया मेरा जीरो से लेकर टी तक, एंड अगेन देखो आप तो माइनस यू कॉस टू यू बाय टू, अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, वन बाय टू आपका बाहर आ जाएगा, एंड अगेन कॉस टू यू का इंटीग्रेशन साइन टू यू बाय टू होगा, इस टू यू का फिर से किए हम लोग तो यहाँ पे बाय टू आया, ये सब इंटीग्रेशन का फंडा है, ये आपको आना चाहिए। ओके, अब हम लोग एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक, तो जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ हम लोग टी पुट करेंगे, तो माइनस टी कॉस टू टी बाय टू प्लस साइन टू टी बाय फोर, टू टू मल्टीप्लाई हुआ, एंड अगेन जीरो पुट करेंगे, यहाँ यू का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये सारा टर्म जीरो, एंड अगेन यहाँ पर साइन जीरो आई मीन वो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो पुट करने के बाद ये दोनों टर्म आपका जीरो रहेगा, आई मीन यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया है वो वैल्यू ये ऊपर वाला टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, ये आपका आई वन का वैल्यू आ चुका है, बस हमको आई वन का वैल्यू इस यहाँ पर पुट कर देना है। ओके, एंड अगेन हमको आई टू का वैल्यू निकालना होगा, चलो आई टू का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, अब आई टू का वैल्यू इक्वल था, देखने दो मुझे थोड़ा सा, ठीक, यू स्क्वायर का टर्म है, यू स्क्वायर से मल्टीप्लायर से, इसका भी हम सेम उसी की तरह हम लोग इसका यू इंटू वी पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का, तो यहाँ फर्स्ट टर्म को हम लोग हूबहू लिख लेंगे, एंड अगेन सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फिर से फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट, एंड अगेन सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, यही था फंडा, साइन टू यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू यू बाय टू, एंड अगेन यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट टू यू, एंड साइन टू यू का माइनस कॉस माइनस बाहर कर दिए तो ये प्लस हो गया कॉस टू यू बाय टू, एंड अगेन हमको इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, तो माइनस यू स्क्वायर कॉस टू यू बाय टू प्लस ये टू टू कैंसिल हो गया, फिर से ये आपका u इंटू कॉस टू यू डी यू का इंटीग्रेशन होगा, मतलब इसका हम लोग फिर से जो है हम लोग इसका u इंटू वी पर इसको फिर से तोड़ेंगे, तो लिमिट जो इसमें और इसमें लगा हुआ है हम लोग उसको अलग अलग करके इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं u इंटू वी पर, इस टर्म का लिमिट जीरो से t इसको अलग कर लिए, एंड अगेन इस टर्म का अपना ही और प्रोसेस चलेगा, फर्स्ट टर्म को हूबहू रखेंगे, फिर से कॉस टू यू का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटे डी यू, एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू यू डी यू का होल इंटीग्रेशन, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस टी स्क्वायर कॉस टू टी बाय टू, फिर हम लोग यू का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो टर्म हो जाएगा, तो लिखने का कोई तुक नहीं बनता है, छोड़ो उसको, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग आते हैं, देखो इसको कॉस टू यू का इंटीग्रेशन आपका साइन टू यू होगा, एंड इसमें फिर से हम लोग डिवाइड टू से करेंगे बिकॉज यहाँ पर टू यू का मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई है यू के फंक्शन में, एंड डी यू बटे डी यू वन, एंड अगेन कॉस टू यू का साइन टू यू बाय टू, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर हो गया आपका यू साइन टू यू बाय टू, अपना फोकस अब सीधा यहाँ पर ला, साइन टू यू का क्या होगा बता, साइन टू यू का, साइन टू यू का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस टू यू माइनस ये प्लस हो गया, एंड कॉस टू यू बाय टू, अरे ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है भाई, कहाँ कोई परेशानी है इसमें, तो यू साइन टू यू बाय टू, एंड अगेन प्लस कॉस टू यू बाय टू, नहीं टू नहीं टू टू का फोर बाय फोर, अब अगेन हमको इसमें जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ यू है वहाँ पर हम लोग टी पुट करेंगे, तो टी साइन टू टी बाय टू प्लस कॉस टू टी बाय फोर, एंड अगेन यहाँ जीरो पुट करेंगे ये सारा टर्म तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो आई मीन वन, और ये वैल्यू माइनस वन बाय फोर होगा, क्योंकि जब हम लोग लोअर लिमिट पुट करते सारा टर्म मेरा माइनस में आता है, ऊपर वाला टर्म पुट करेंगे फिर माइनस, इसमें जीरो पुट किए जीरो फिर माइनस, देखो जब हम लोग इसमें जीरो पुट करेंगे तो माइनस जीरो हुआ,
फिर इसमें जीरो पुट करेंगे तो -1/4 हुआ, इसको समझना होगा आपको। ठीक, तो मेरा फाइनली जो आंसर निकल गया है वो आंसर आपका सारा यही टर्म निकला है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पर आप। चलो ये मेरा तो आई टू का वैल्यू निकल गया। फिर से हम लोग वहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट था ना वहाँ पर हम लोग आई वन का वैल्यू और आई टू का वैल्यू पुट करेंगे और मेरा सॉल्यूशन आ गया। ओके चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये वैल्यू हम किसका निकाल रहे हैं, ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके ना, तो ध्यान देना है यहाँ पर टी बाई 4 था कितना था एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो टी बाई 4 है ना, ठीक -1/4 इंटू आई टू है। आई वन का वैल्यू ठीक टी बाई 4 इंटू -t cos 2t बाई 2 एंड अगेन साइन 2t बाई 4 4 इंटू, फिर यहाँ पर हम लोग आई टू का वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पर है, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो t का मल्टीप्लाई इसके साथ t साइन 2t बाई 16 एंड अगेन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा सम है जिसको आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई सब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन 4 टू जा 8 माइनस प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई 4 टू जा 8 इसमें भी होगा आपका, एंड अगेन माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 1/16। अरे कोई कट भी रहा है क्या, कोई कट रहा है, देखो देखो, अरे ये कट रहा है शायद, ये और ये, और कोई नहीं, और तो कोई नहीं कट रहा। चलो आगे बनाते हैं हम लोग, जो जो 1/16 है ना, ये और ये और ये, यहाँ तो 1/16 नहीं है, लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर टी साइन 2t है, यहाँ पर भी टी साइन 2t है, अगर इसे हम लोग कॉमन ले ले टी साइन 2t तो क्या आएगा, 1/16 -1/8। अच्छा नेक्स्ट टर्म जो है उसको उतार लो आप, अच्छा 1/16 -1/8 16 1 -2 -1/16 मतलब -1/16 इसे मल्टीप्लाई किए तो -t साइन 2t बाय 16 मतलब -1/16 से इसे मल्टीप्लाई हुआ आपका, एंड अगेन cos 2t बाय 16 प्लस 1/16 मतलब इस सब से हम लोग 1/16 कॉमन ले सकते हैं। अरे इसका अपना मन है, आप सॉल्व कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक में आपका आंसर निकल चुका है, हम लोग इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक आप जाते हो, मैं भी वहाँ जाऊँगा जहाँ तक आप जाओगे, सवाल को मैं कह रहा हूँ, ठीक। एंड अगेन यहाँ देखो, इसे 1/16 इसे 1/16 इसे 1/16 कॉमन लिए, तो पहले प्लस वाला लेते हैं, 1 माइनस टी साइन 2t माइनस कॉस 2t, ये आपका आंसर निकला। इसके आगे और मॉडिफाई करना, अब मॉडिफाई छोड़ दो, यहीं तक आपका आंसर है। ओके एनी प्रॉब्लम, हाँ और एक बात, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछना भाई, भाई यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, हाँ अगर समझ गए हो तो इतना भी लिख देना, आई एम सेटिस्फाइड योर आंसर। ओके चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।